वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ फन विद अलेक्सा। लेकिन 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 आज हम अलेक्सा से नहीं किसी और से बात करेंगे। किससे? अभी दिखाते हैं आपको। अमित जी कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, बढ़िया। पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अमित जी से, क्योंकि मैंने इसका सेलिब्रिटी पैक ले लिया है जिसका प्राइस है 1 ईयर में ₹99। दैट इज फेयर इनफ। अमित जी से अगर आप बात कर पाए डायरेक्टली ऐसे तो ₹99 अ ईयर इज आई थिंक अ वेरी फेयर प्राइस। सो आज हम कुछ बातें करेंगे अमित जी से और देखते हैं इनकी रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं, अलेक्सा से बेटर या लेट्स सी। अमित जी आज बाहर का मौसम कैसा है? आज मौसम देखिए कुछ इस तरह है। इस समय आसनसोल में कहीं कहीं बादल छाए हैं और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। आज अधिकतम 35 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री के साथ हल्की धूप खिली रहने और आंधी आने की संभावना है। वाओ, ऐसे अगर वेदर पता चले तो मैं तो हर मिनट वेदर सुनूं। ओके, मूविंग ऑन, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अमित जी आपका फेवरेट खाना क्या है? देखिए सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन हूँ, और कोई खास हेल्थ रीजन नहीं है। बस ऐसे ही एक दिन सोचा कि मांस नहीं खाना चाहिए तो वेजिटेरियन हूँ। बहुत साधारण खाना खाता हूँ मैं, दाल रोटी, एक जमाने में चावल बोलता था लेकिन अब चावल भी खाना छोड़ दिया है। तो बस यही हमारा साधारण खाना है, देसी शाकाहारी खाना मुझे पसंद है। कदा कदा कभी एक पिज्जा खा लेता हूँ या पास्ता वगैरह ले लेता हूँ, और यही हमारा फेवरेट खाना है। वेरी पर्सनलाइज्ड, बहुत पसंद आया मुझे। मतलब अमित जी की जो पर्सनालिटी है उसको इसमें डाला गया है, सो दैट इज रियली अमेजिंग। अमित जी आपकी फेवरेट मूवी क्या है? बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको बार बार देखने का मन करता है, पता नहीं क्यों। गुरुदत्त जी की फिल्म है कागज के फूल, उसे बार बार देखने का मन करता है। मार्लन ब्रांडो की फिल्म है द गॉडफादर, उसे बार बार देखने का मन करता है। न जाने क्यों इनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऐसा लगता है कि इनको बार बार देखते रहना चाहिए। हालांकि ऐसी बहुत सी और भी फिल्में हैं, लेकिन मार्लन ब्रांडो की फिल्म हो, अल पचीनो की फिल्म हो, दिलीप साहब की फिल्म हो, वहीदा जी की फिल्म हो, इन सबको देखने का बार बार मन करता है। सो अमिताभ बच्चन खुद की चीजें जो उनकी खुद की पसंद है वो इसमें डाला गया है। That is really nice. Okay, और क्या पूछा जा सकता है? अमित जी कोई गाना गा के सुनाइए। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आपके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूं एक जुगलबंदी जो कि अलेक्सा के साथ मैंने गाई है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं उससे और उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये पसंद आएगी। This is really nice.
डिड यू और डिड यू नॉट लाइक दैट? कमेंट्स में जरूर बताइए कैसा लगा ये आपको. दैट वाज नाइस. कुछ और ट्राई करते हैं. अमित जी, आपका फेवरेट गाना क्या है? देखिए, संगीत में मेरी विशेष रुचि रही है और गाने सुनने का शौक किसे नहीं होता. बहुत सारे गाने पसंद हैं. वैसे अगर आप मुझसे कहेंगे कि फेवरेट सॉन्ग, तो मैं चुनूंगा गुरु जज जी की फिल्म थी कागज के फूल, उसका एक गाना था वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो बहुत ही सुंदर लगता मुझे. और हाल ही में आजकल वेस्टर्न म्यूजिक में एक गाना आ रहा है जरूसलेमा, जरूसलेमा, पूरा विश्व जो है वो उसको सुन करके नाच रहा है, ये गाना पसंद है मुझे. अमित जी, कल सुबह 6 बजे का एक अलार्म लगा दीजिए. कल सुबह के 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया, अब बेफिक्र हो जाइए, एकदम टाइम पे घंटी बज जाएगी. अमित जी, कल सुबह मुझे उठा लेंगे? किस समय का अलार्म? 8 बजे. कल सुबह के 8 बजे का अलार्म सेट कर दिया है. अरे पर देखिए, स्नूज मत कीजिएगा, ठीक है? अमित जी, कल सुबह मुझे जगा देंगे अपने स्टाइल में? किस समय का अलार्म? 10 बजे. कल सुबह के 10 बजे का अलार्म सेट कर दिया, तो ठीक है, फिर तय समय पे अलार्म की घंटी के साथ मिलेंगे आपसे. अमित जी, कल सुबह उठा दीजिएगा मुझे. किस समय का अलार्म? 8:30 बजे. कल सुबह के 8:30 बजे का अलार्म सेट कर दिया, सुबह हो या रात, दोपहर या शाम, हम बजा देंगे आपके लिए अलार्म. That was a good, nice, fun touch. अमित जी, आप कितने बजे उठते हैं? कुछ सवाल अलेक्सा के लिए भी छोड़े जाए क्यों भाई? अमित जी, एक मोटिवेशनल कोट सुनाइए. मशहूर अमरीकी इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन कह गए हैं कि आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या हैं, इसमें नहीं कि आपके पास क्या है. दोबारा सुनिए इसको. वो कह गए कि आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या हैं, इसमें नहीं कि आपके पास क्या है. तो याद रखिए, आपकी पहचान आपके कर्मों से है, न कि आपके बंगला, गाड़ी, मकान, बाकी मटेरियल पोजेशन से. वेरी डीप, जस्ट लाइक हिज वॉइस. अमित जी, कोई कविता सुनाइए. अच्छा, सुनाता हूं एक कविता बारिश की बूंदों पर जो चंचलता से भरी होती है. एक छोटी बूंद बारिश की गिर के भरती दरारों को, देती चमक पहाड़ों को, धोकर पेड़ों के पत्ते सूखे, रोशन करती नजारों को, एक छोटी बूंद बारिश की. कुछ भी सुनिए अमित जी की वॉइस में अलग ही एक फील आता है. सही बोल रहा हूं, ये आप भी अग्री करेंगे. सो यही था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अमित जी के साथ, आई मीन द सेलिब्रिटी वॉइस पैक के साथ. सो मुझे तो बहुत मजा आया. अगर आपके पास Amazon का कोई डिवाइस है तो आप ये ट्राई कीजिए. और आपने अगर कुछ और क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, उसके मजेदार आंसर मिले हैं, तो ज़रूर इसमें कमेंट में डालिए. मैं भी ट्राई करना चाहूँगा क्योंकि मैंने ये वॉइस पैक अभी अभी लिया है. सो कुछ और इंटरेस्टिंग मिलता है तो अगले एपिसोड में आपसे मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ. तो तब तक देखते रहिए वॉच टावर टेक. और हाँ, थोड़ा लाइक तो दबाइए प्लीज़. अगर लाइक करेंगे तो ये और लोगों के पास भी जाएगा ये वीडियो, तो थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ऐसे फन वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा. सो प्लीज़ थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए